प्रोटेस्ट की वजह से एक लड़की के बॉयफ्रेंड को उठाकर एक कल्ट में डाल दिया जाता है। उसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, पर उसे बचाना है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। क्या इसमें वो सक्सेस हो पाएगी? ये हम आज के हमारे मूवी कॉलोनिया 2015 की एक थ्रिलर रोमांटिक मूवी में देखेंगे। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जो इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें चिली कंट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर 1973 में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। साल्वाडोर वहाँ के करंट प्रेसिडेंट थे, पर ऑगस्टो को वहाँ का प्रेसिडेंट बनना था। ऑगस्टो पूरी तरीके से कंट्री को कंट्रोल करना चाहता था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चलता है। इस प्रोटेस्ट में पोस्टर बनवाने का काम हमारा मेन कैरेक्टर करता है, जिसका नाम है डैनियल। ऐसा ही प्रोटेस्ट वो कर रहा था तभी उसकी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है, उसे सरप्राइज देती है। ये हमारे और एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है लीना। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे। घर आने के बाद लीना डैनियल से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ छुपाना है तो अभी छुपा लो, अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा मिल गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। डैनियल बहुत ही ऑनेस्ट था। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा प्यार में थे। रात में प्रोटेस्ट करने वाले अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए डैनियल लीना को लेकर जाता है। वहां पर डैनियल को भी स्पीच देने के लिए कहा गया और उसने एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी। एक्चुअल में डैनियल इस कंट्री से नहीं था, बस सारी सिचुएशन देखकर अब इसका पार्ट वो बन चुका था। डैनियल चाहता था कि लीना हमेशा उसी के साथ रहे। एक दिन अचानक से उसे कॉल आता है, कहता है कि ऑगस्टो की आर्मी अंदर घुस आई है, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सबको अरेस्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। ये स्ट्रीट पर आए तो स्ट्रीट पर सरे आम लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये सब देखकर डैनियल इसकी फोटो लेने लगता है, वो इन्हें सबको एक्सपोज करने वाला था। इस तरीके की फोटो लेते हुए आर्मी वालों ने उसे देख लिया, जल्दी से उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक ओपन ग्राउंड में उन्हें लाया गया। ऑगस्टो के लोगों ने प्रोटेस्ट में से एक आदमी को अपने साइड पर कर लिया था। प्रोटेस्ट में जो भी लोग साथ दे रहे थे उन सबको अरेस्ट करने का काम वो कर रहे थे। ये आदमी डैनियल को भी पहचान लेता है। इसके बाद उसे एक एम्बुलेंस में डालकर वो लेकर जाते हैं। लीना इसका हिस्सा नहीं थी तो उसे छोड़ दिया जाता है। डैनियल को फिर बहुत टॉर्चर किया गया। पूछते हैं कि तुम्हारे साथ और कौन था, पर डैनियल कुछ भी नहीं बताता। लीना फिर प्रोटेस्ट के हेड के पास गई और सारी सिचुएशन समझाई। वो कहते हैं कि डैनियल को हमें बचाना चाहिए। प्रोटेस्ट का हेड कहता है कि डैनियल तुमसे मुझसे इस सबसे प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसमें हमें सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। ये डैनियल की कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते, पर डैनियल कहाँ है इसके बारे में उन्होंने लीना को इन्फॉर्मेशन दे दी। दूसरी तरफ डैनियल को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, उसकी पूरी मेंटल हालत खराब हो रही थी। डैनियल जहाँ पर गया हुआ है इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए लीना एक आदमी के पास जाती है। उस आदमी का ऑफिस भी बग किया गया था, तो टेप रिकॉर्डर लाकर वो लीना को सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। उसने कहा कि एक प्लेस है जिसका नाम है कॉलोनिया, वहाँ का हेड पॉल, उसी के पास ये सारे सोल्जर जाते हैं। उसने उसे लोकेशन वगैरह बता दी और कहा कि वो एक कल्ट है जो क्रिश्चियनिटी को मानता है, तो वहाँ पर आसानी से घुस सकती हो। एक बार तुम चली गई तो वहाँ से वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लीना का कैप्टन एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, तो कहती है कि एक वीक में वापस आ जाऊंगी, और कैप्टन भी उसके लिए कवर करता है। इसके बाद वो कॉलोनिया के लिए चली गई। वहां पर एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम था गिजला। गिजला सब लड़कियों को कंट्रोल करती थी, तो लीना को भी उसने अंदर ले लिया। इसके बाद पॉल से मिलवाने के लिए उसे वो लेकर जाती है, पर एक छोटा सा बच्चा रोते रोते बाहर आया। या इस जगह पर पॉल छोटे बच्चों का शोषण करता था। वो जब लीना से मिला तो उसे पूछता है कि तुम ये ज्वाइन क्यों करना चाहती हो। लीना कहती कि मैं बाकी वर्ल्ड से तंग आ चुकी हूँ, मैं भी इस वे को अपनाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पर आई हूँ। पॉल कन्विंस नहीं हो रहा था तो लीना से कहा अपने कपड़े निकालो। उसे लग रहा था कि लीना का बॉयफ्रेंड है, पर लीना उसे कन्विंस कर देती है यहाँ पर वो सिर्फ कुछ सीखने के लिए आई है। इसके बाद लीना को बाकी लड़कियों के पास बंकर में लेकर जाया जाता है। यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड बनी जिसका नाम था डोरथी। डोरथी बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। यहाँ पर आदमी और औरतों को मिलना अलाउड नहीं है, तो लीना ने पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है। डोरथी ने कहा कि कोई भी जब इम्पोर्टेंट आदमी आता है तो सब लोग एक दूसरे में मिल जाते हैं। अपने हस्बैंड से ऐसे ही वो मिली थी, पर उस बात को 3 साल हो चुके हैं, पर एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इन्हें फिर एक गोली दी जाती है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है कि करती क्या है। अगले दिन इनसे बहुत ही ज्यादा काम करवाया गया। लीना पानी मांगती है तो उसे पानी भी दिया नहीं जाता। इसी के पैरेलल में हम डैनियल की बहुत ही ज्यादा खराब हालत देख सकते हैं। डॉक्टर ने पॉल से कहा कि अब ये पूरी तरीके से एबनॉर्मल हो चुका है। पॉल कहता है कि मैं इसे कॉलोनिया लेकर जाऊंगा, वहां पर कुछ ना कुछ तो ये काम कर पाएगा। एक्चुअल में डैनियल सिर्फ एबनॉर्मल होने का ढोंग कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी की डेथ हुई थी। पॉल सबके सामने प्रिटेंड करता है कि उसके साथ वो बात कर सकता है। वो हमेशा सबको बताता था कि गॉड डायरेक्टली उसके थ्रू सब लोगों से बात करता है।
अब डेढ़ आदमी उठकर तो बात नहीं कर सकता, पर पॉल के एक आदमी ने कहा कि हमारे कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा पाप है और इसी वजह से आदमी उठा नहीं, उल्टा पॉल को और ऊपर चढ़ा देते हैं। डैनियल को एक फैक्ट्री में एक आदमी के नीचे काम करने के लिए कहा जाता है। एक दिन जिसला ने लीला से बात की, कहा कि तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो, मैंने देखा कि डोरथी तुम्हारी फ्रेंड बन गई है, उसकी शादी होने वाली है और इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। ये बात सुनने के बाद लीना ने सब कुछ बता दिया कि डोरथी किसके साथ शादी करने वाली है। उसे पता नहीं था कि गिजला सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी। इसके बाद रात में डोरथी को पॉल के पास लेकर जाता है। सब लोगों के सामने पॉल कहता है कि एक सिनर है, हमें इसे पनिश करना पड़ेगा। फिर सब आदमी मिलकर उसे बहुत मारते हैं। डोरथी को बाहर जाता देख लीना ने भी उसका पीछा किया था। लीना सब आदमियों में डैनियल को भी देख लेती है। किसी ने लीना को नोटिस कर लिया तो पॉल लड़कियों के पास आ जाता है। वो किसी को भी पहचान नहीं पाता, पर एक काम गिजला का था कि कोई भी लड़की बाहर ना निकले। उसने फिर गिजला को ही बहुत मारा। कल रात जो भी हो रहा था इसके बारे में वो अर्सल से पूछती है। अर्सल ने कहा कि कोई भी लड़की अगर रूल तोड़ती है तो वहाँ पर उसे लेकर जाते हैं। अब लीना को डैनियल से फिर से मिलना था, तो रूल तोड़ने के लिए इनके होली वाटर में वो स्विम करती है। उसे फिर रात में वो पॉल के पास लेकर आते हैं। आज रात डैनियल यहाँ नहीं था क्योंकि फैक्ट्री में छुप गया था। वो रात में यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो एक इलेक्ट्रिक फेंस के पास आया, शॉक लगने की वजह से वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अलार्म की वजह से सब लोग डैनियल को ढूंढने के लिए निकल गए थे। लीना को सजा नहीं होती, सबको लगता है कि डैनियल ऑलरेडी एबनॉर्मल है तो कोई उस पर शक भी नहीं करता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑगस्टो की सरकार आ चुकी थी और गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी पॉल से मिलने के लिए आ रहा था। इनकी परेड होती है जहाँ पर औरतें और आदमी एक साथ मिल सकते हैं। लीना हर जगह पर डैनियल को ढूंढ रही थी और फाइनली उसे देख लेती है। इन दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ लिया। लीना के पास उनका एक फोटो था जो उसे दे देती है। लीना कहती कि आज रात मेरी ड्यूटी है, वहाँ पर मुझे मिलना। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि पॉल कॉलोनिया के लोगों से वेपन्स बनवाता है। एक बॉम्ब भी उन्होंने बनवाया हुआ है। ये सब कुछ इस गवर्नमेंट को चाहिए था। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि गैस बॉम्ब को हम टेस्ट कैसे करें, तो पॉल को आइडिया आता है कि डैनियल ऑलरेडी एबनॉर्मल है, उस पर हम टेस्ट कर सकते हैं। रात में लीना और डैनियल मिले। डैनियल को बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से लीना यहाँ पर है, पर लीना कहती है कि मैंने खुद तुम्हें बचाने के लिए ज्वाइन किया था। डैनियल को अब इस प्लेस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। यहाँ पर चलते चलते उसे पता चलता है कि नीचे एक बंकर है। इस बंकर को देखने के लिए वो चला गया, तभी लीना पर नजर रखने के लिए जिजला वहाँ पर पहुँच गई थी, उसे लेकर जाती है। डैनियल को बंकर से बाहर निकलने का रास्ता पता चल गया। अगले दिन पॉल लीना को बुलाता है। उसने कहा कि अर्सल मुझे कुछ अलग अलग लग रही है, तुम उसकी फ्रेंड हो तो उस पर नजर रखना। लीना ने फिर अर्सल से बात की और कहा कि तुम यहाँ पर हो क्यों, तुम यहाँ की तो नहीं लगती। अर्सल ने कहा कि मैं जिजला की बेटी हूँ, फिर भी जिजला उसे यहाँ पर रहने के लिए मजबूर करती है। आज डैनियल पर टेस्ट करने के लिए सब लोग रेडी हो गए थे। उसके ब्लड टेस्ट वगैरह कराकर कल उस पर बॉम्ब वो टेस्ट करेंगे। आज रात डैनियल और लीना दोनों फिर से मिले। डैनियल लीना से कहता है कि आज रात ही हमें यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। उसने बंकर की फोटोज वगैरह ली है, इससे वो पॉल का सारा ऑपरेशन एक्सपोज करेगा। लीना कहती कि पहले तुम हमारे बारे में सोचो, फिर बाद में एक्सपोज के बारे में सोचना, क्योंकि डैनियल की फोटोज की वजह से दोनों यहाँ पर फंसे थे। एक बहुत ही फनी रिलेशनशिप डायनामिक हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आज रात जिजला अर्सल को लीना के पास लेकर आए। अर्सल कहती कि मुझे पता है कि पॉल ने तुम्हें मुझ पर नजर रखने के लिए कहा है, मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ से भागने वाली हो, एक्चुअल में चल क्या रहा है। अर्सल प्रेग्नेंट थी पर उसके बॉयफ्रेंड को पॉल ने मार डाला था, वो भी यहाँ से निकलना चाहती थी। वे सब बातें कर रहे थे तभी जिजला यहाँ पर पहुंच गई। डैनियल ने निकाली हुई एक पिक्चर नीचे पड़ी हुई थी जो जिजला नोटिस कर लेती है। अब उसे डायरेक्टली पॉल के पास लेकर आया जाता है। उसे कुछ भी बताती नहीं तो पॉल उसे पनिश करने वाला था, पर तभी डैनियल वहां पर पहुंच गया। वो फिर से ढोंग करता है कि वो एबनॉर्मल है, पर उसने कहा कि वो पिक्चर मैंने ऑलरेडी कहीं पर देखी थी, मेरा बॉस अपने बुक्स में पिक्चर्स रखता है। वो फिर उन्हें वहां पर लेकर गया और पॉल को लगता है कि डैनियल का बॉस शायद एक गद्दार है। डैनियल के बॉस को ही उसने अरेस्ट कर लिया। फिर से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लीना अपनी रात की ड्यूटी पर चली जाती है, उसके साथ अर्सल भी थी, तो डैनियल दोनों को लेकर नीचे बंकर में आ जाता है। ये जल्दी से वहां से निकलने लग गए, पर आगे पानी भरा हुआ था। अर्सल पानी से डरती थी पर फिर भी उसकी मदद कर उसे वहां से निकाल लेते। जैसे ऊपर आए तो कॉलोनी के बाहर थे। अर्सल खुश होकर बाहर जाने लगती है, पर वहां पर ट्रैप्स बिछाए हुए थे। एक रस्सी से टकराने की वजह से गोलियां चलती है और अर्सल की वहीं पर डेथ हो गई। लीना को इसके लिए बहुत ही बुरा लगता है, वो अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी, पर डैनियल कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है।
वो फिर डायरेक्टली एम्बेसी के पास आए, सारी सिचुएशन उन्हें समझा देते हैं। एम्बेसी के लोगों ने भी उनकी बहुत हेल्प की, जल्दी से पासपोर्ट बनवाए और उन्हें यहाँ से वो निकालने वाले थे। पर नेक्स्ट फ्लाइट ये अगले वीक है। पैरेलल में एम्बेसी की एक एम्प्लॉय पॉल को कॉल कर देती है। लिना को पता था कि एक वीक तक यहाँ पर वो जिंदा नहीं रहेंगे, तो जल्दी से जल्दी यहाँ से उन्हें निकलना था। वो अपने कैप्टन फ्रेंड का शेड्यूल जानती थी, तो उसे वो कॉल कर दिया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसकी आज फ्लाइट थी तो लिना आज उसके साथ ही जाने वाली थी। सेफ्टी के लिए एम्बेसी का आदमी लीना और डैनियल को लेकर जाता है। खुफिया रास्तों से उसे एयरपोर्ट तक लेकर गया, पर तब तक पॉल वहां पर पहुंच चुका था। पॉल और उसके आदमी इनका पीछा करते हैं, पर कैप्टन ने लीना और डैनियल को भागता देख लिया। फ्लाइट को लेट हो रहा था, पर फिर भी उनके लिए रुका हुआ था। उन्हें जल्दी से अंदर लेकर दरवाजे बंद कर लेता है। पॉल के आदमी उन्हें बाहर निकलने के लिए कह रहे थे, पर लीना कहती है कि अगर हम आज यहाँ से नहीं उड़े तो लोग हमें मार डालेंगे। पॉल के इन्फ्लुएंस की वजह से फ्लाइट भी कैंसिल कर दी जाती है। एक्चुअल में कैप्टन अब लीगली उठ नहीं सकता, पर लीना के लिए रिस्क लेता है। प्लेन उड़ाकर इन्हें बचाकर वो लेकर गया। डैनियल ने जो फोटोज निकाली थी, इस वजह से पॉल का ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसकी डेथ भी प्रिजन में ही हुई। इसी के साथ आज की हमारी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी आखिर में हमें बता कर जाती है कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। मुझे तो इस मूवी में पायलट फ्रेंड का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा। अपनी फ्रेंडशिप के लिए सेफ्टी और जॉब दोनों चीजों को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था, वरना हम हमारे फ्रेंड्स को रुकने के लिए कहते हैं तो 5 मिनट वो जल्दी चले जाते हैं। अगर इस मूवी में ऐसा होता तो बेचारे वो बच नहीं पाते। तो यही पर आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।